अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ कॉन्करेंसी में स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, देन वी विल गो फॉर एल्गोरिदम। स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम में देयर इज ए बार्बर शॉप हैविंग वन बार्बर, एक बार्बर की शॉप है जिसके अंदर एक बार्बर है, वन बार्बर चेयर, उसके उसको बैठने के लिए एक चेयर है बार्बर चेयर, एंड एन चेयर्स फॉर वेटिंग कस्टमर्स, और एन नंबर ऑफ चेयर्स हैं, एन कोई भी नंबर हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी नंबर हो सकता है, एन नंबर ऑफ चेयर्स हैं फॉर वेटिंग कस्टमर्स, उन कस्टमर्स के लिए जो शॉप पर वेट करेंगे अपने हेयर कट के लिए। तो जो वेरियस कंडीशन है डेट शुड बी सेटिस्फाइड इन स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम आर, तीन कंडीशन हैं जो सेटिस्फाइड होनी चाहिए स्लीपिंग बार्बर केस में। फर्स्ट, इफ देयर आर नो कस्टमर्स इन द शॉप द बार्बर गोज टू स्लीप, अगर कोई भी कस्टमर नहीं है शॉप में तो बार्बर गोज टू स्लीप, बार्बर सो रहा है अगर कोई भी कस्टमर नहीं है शॉप पे। सेकेंड, वेन ए कस्टमर एंटर्स द शॉप, जब एक कोई भी कस्टमर शॉप में आता है द कस्टमर वेकअप्स द बार्बर, तो कस्टमर जो है बार्बर को वेकअप करता है, वो उसको उठाता है बार्बर को। एंड थर्ड, वेन मोर कस्टमर्स एंटर्स द शॉप वाइल द बार्बर इज कटिंग द कस्टमर्स हेयर, दे सिट ऑन वन ऑफ द एम्प्टी चेयर्स, जब एक कस्टमर का हेयर कट कर रहा है बार्बर और उस बीच और कस्टमर्स आना शुरू हो जाते हैं शॉप में, तो वो जो भी खाली चेयर्स अवेलेबल होती हैं शॉप में उस पर वो बैठते चले जाते हैं। इफ दे आर एम्प्टी चेयर्स अवेलेबल, अगर एम्प्टी चेयर्स अवेलेबल हैं तो कस्टमर्स जो नए कस्टमर्स आ रहे हैं शॉप के अंदर, इस बीच जब वो कस्टमर बार्बर जो है किसी का हेयर कट कर रहा है, उस बीच अगर नए कस्टमर्स आ रहे हैं तो वो जो खाली चेयर्स हैं उस पर बैठते चले जाते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है, द कस्टमर लीव्स इफ ऑल चेयर्स आर ऑक्यूपाइड, और अगर शॉप के अंदर कोई भी चेयर खाली नहीं है, सारी चेयर्स ऑक्यूपाइड हैं, तो कस्टमर जो है शॉप छोड़ के चला जाता है क्योंकि उसको बैठने की जगह नहीं मिलती। तो ये तीन कंडीशंस होती हैं स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम के केस में। अब हम देखते हैं कैसे हम कस्टमर और बार्बर प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं जो वेरिएबल्स हम यूज़ करने वाले हैं उनकी इनिशियल वैल्यूज। सबसे पहले हमने डिफाइन किया है टाइप डेफ इंट सेमाफोर। टाइप डेफ से क्या होता है कि हम जो इंटीजर है उसके लिए हम दूसरा नाम यूज़ कर रहे हैं सेमाफोर। टाइप डेफ क्या कह रहा है कि इंट ना यूज़ करके, इंट जो डेटा टाइप होता है वो यूज़ ना करके हम सेमाफोर यूज़ करेंगे, मतलब सेमाफोर जो है इंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। टाइप डेफ ये करता है, सी के अंदर हमने पढ़ा ये चीज़ कि टाइप डेफ अगर हम किसी डेटा टाइप के आगे लगा देते हैं तो जो वेरिएबल हम उसके आगे लिख रहे हैं वो उसी टाइप का हो जाता है, मतलब सेमाफोर इंट टाइप का हो गया। तो जहाँ जहाँ हम सेमाफोर यूज़ करेंगे इसका मतलब वहाँ वहाँ हम इंट बोल रहे हैं। अब हमने क्या क्या लिया है, नंबर ऑफ कस्टमर्स वेटिंग फॉर हेयर कट, कस्टमर्स के लिए हमने वेरिएबल लिया है कस्टमर्स नाम का जो कि सेमाफोर टाइप का है। सेमाफोर क्योंकि हम ये सब कुछ सेमाफोर के टर्म्स में कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे सेमाफोर लिया है इसका नाम, जबकि ये है वैसे इंट टाइप का ही। तो सेमाफोर कस्टमर्स इज इक्वल टू जीरो, अभी क्योंकि इनिशियल वैल्यू कोई कस्टमर नहीं है शॉप पे तो कस्टमर की वैल्यू जीरो। बार्बर वेटिंग फॉर कस्टमर, बार्बर वेट कर रहा है कस्टमर के लिए तो सेमाफोर बार्बर इज इक्वल टू जीरो, ये भी हमने जीरो कर दिया है। अब फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन अमंग चेयर्स अवेलेबल, अब जितनी भी नंबर ऑफ एम्प्टी चेयर्स हैं उनके जो वेरिएबल है नंबर ऑफ एम्प्टी चेयर्स, पहले उसको देख लेते हैं। अब पहले हम नंबर ऑफ एम्प्टी चेयर्स को देख लेते हैं। नंबर ऑफ एम्प्टी चेयर्स कितनी है, एन। जितनी भी अवेलेबल चेयर्स होंगी, जितनी भी कस्टमर बार्बर ने अपनी शॉप में चेयर्स अवेलेबल करा रखी हैं कस्टमर को, एन, 1, 2, 3, 4 जो भी है, वो नंबर ऑफ एम्प्टी चेयर्स जो वेरिएबल है उसको असाइन होगी, मतलब नंबर ऑफ एम्प्टी चेयर्स इज इक्वल्स टू एन। अब यहाँ पे आते हैं, द वेरिएबल नंबर ऑफ एम्प्टी चेयर्स विल बी इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड ओनली आफ्टर एक्वायरिंग द सेमाफोर म्यूटेक्स। हमने एक और सेमाफोर डिफाइन किया है म्यूटेक्स नाम का, जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने 1 रखी है। ये म्यूटेक्स क्या करेगा कि जब भी कस्टमर एंटर करेगा और चेयर को एक्वायर करेगा, तो चेयर मतलब एक्वायर कर रहा है, तो नंबर ऑफ एम्प्टी चेयर्स में जो भी इंक्रीमेंट जब वो छोड़ रहा है, तो जो भी डिक्रीमेंट होना है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जब भी होगा नंबर ऑफ एम्प्टी चेयर्स नाम का जो वेरिएबल है, वो तभी हो सकता है जब म्यूटेक्स नाम का सेमाफोर को एक्वायर करेंगे हम, मतलब उस म्यूटेक्स की हेल्प से हम लॉक लगा देंगे कि नंबर ऑफ एम्प्टी चेयर्स वाला जो वेरिएबल है उसको या तो इंक्रीमेंट हो रहा है उसमें या फिर उसमें डिक्रीमेंट हो रहा है, डिपेंडिंग कि कस्टमर आ रहा है या कस्टमर जा रहा है। जा रहा है तो चेयर खाली हो रही है, तो मतलब नंबर ऑफ एम्प्टी चेयर्स जो है वो फ्री हो रही है। तो अब हम देखते हैं पहले बार्बर प्रोसेस, फिर हम कस्टमर प्रोसेस देखेंगे। स्टार्ट करते हैं व्हाइल, ये इंडेफिनेट लूप है। वेट कस्टमर्स, ये पहला स्टेटमेंट है, वेट कस्टमर, वेट फॉर कस्टमर एंड गो टू स्लीप इफ नंबर ऑफ कस्टमर्स इज जीरो। कस्टमर्स की वैल्यू अभी जीरो है तो वेट जीरो, मतलब अभी कोई भी कस्टमर नहीं है तो बार्बर जो है स्लीप कर रहा है, बार्बर सो रहा है।
सेकेंड है ये वेट म्यूटेक्स। म्यूटेक्स क्या करता है, अभी हमने देखा था लॉक करता है मतलब चेयर पे, वन फ्री चेयर एज कस्टमर हैड अराइव्ड इन द शॉप। जो भी कस्टमर आएगा शॉप में वो सबसे पहले लॉक लगाएगा नंबर ऑफ एम्प्टी चेयर्स में। क्यों? क्योंकि उसको नंबर ऑफ जो चेयर है वो एक्वायर करनी है। तो चेयर एक्वायर करने के लिए उसको पहले ये म्यूटेक्स जो है, म्यूटेक्स नाम का सेमाफोर जो है उसको एक्वायर करना पड़ेगा, तभी वो नंबर ऑफ एम्प्टी चेयर्स को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करता है। अब उसने नंबर ऑफ एम्प्टी चेयर्स को इंक्रीमेंट किया, यानी कि उसको एक एम्प्टी चेयर मिल गई, वन चेयर गेट्स एम्प्टी, एक चेयर एम्प्टी मिल गई उसको, तो उसने इसको इंक्रीमेंट किया। अब आगे आते हैं, गेट वन एम्प्टी चेयर्स और रिलीज द म्यूटेक्स ऑन चेयर, नो नीड टू लॉक द चेयर्स एनी मोर। अब क्योंकि यहाँ पे वेट लगाया था म्यूटेक्स पे, तो सिग्नल भी करेंगे ना म्यूटेक्स, मतलब अब ये नंबर ऑफ एम्प्टी चेयर्स वाला जो वेरिएबल था इसमें जो भी काम होना था वो हो गया, अब इसको रिलीज कर रहे हैं, बाकी कोई कस्टमर आएगा तो वो यूज़ कर सकता है नंबर ऑफ एम्प्टी चेयर्स को, यूज़ कर मतलब अपने हिसाब से यूज़ कर सकता है। तो इस सिग्नल म्यूटेक्स उस चीज़ को कर रहा है कि इट इज़ रिलीज्ड, अनलॉक हो गई। अब सिग्नल बार बार उस, ये हमने देखा था ना, जब भी कोई कस्टमर शॉप पे आएगा तो वो बार बार को उठाएगा, तो सिग्नल बार बार मतलब वो बार बार को उठा रहा है कि आप मेरा हेयर कट कर दो, द बार बार इज़ रेडी टू कट हेयर, क्योंकि उसने कस्टमर जो एंटर करा था उसने बार बार को उठा दिया है। अब इसके बाद क्रिटिकल सेक्शन मतलब कटिंग हेयर, बार बार जो है हेयर कट कर रहा है उस कस्टमर का जिसने अभी एंटर करा है। तो इस तरह से ये बार बार प्रोसेस चलता है हमारा। उसके बाद है हमारा कस्टमर प्रोसेस, ये तो बार्बर के पॉइंट ऑफ व्यू से था, अब ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले है वेट म्यूटेक्स। वेट म्यूटेक्स क्योंकि कोई भी कस्टमर है जो है, कस्टमर ट्राइज टू गेट एम्प्टी चेयर, कस्टमर को एम्प्टी चेयर चाहिए, अगर उसने शॉप में एंटर किया है तो सबसे पहले एम्प्टी चेयर के लिए उसको क्या करना होगा, म्यूटेक्स जो है नंबर ऑफ एम्प्टी चेयर्स को मेंटेन कर रहा है, ये जो सेमाफोर है। तो वेट म्यूटेक्स लगा के उसने क्या कहा है कि अब वो नंबर ऑफ एम्प्टी चेयर्स पे वर्क करेगा। यहाँ पे उसने चेक किया इफ नंबर ऑफ एम्प्टी चेयर्स इज ग्रेटर देन जीरो, क्या नंबर ऑफ एम्प्टी चेयर्स जीरो से ज्यादा है, मतलब जीरो से ज्यादा मतलब कोई एक वन टू थ्री फोर कुछ तो है, कोई एम्प्टी चेयर है, अगर है तो क्या करेगा नंबर ऑफ एम्प्टी चेयर्स माइनस माइनस, क्योंकि एक और नंबर चेयर जो है वो एम्प्टी हो गई, वो सॉरी वो ऑक्यूपाई हो गई। तो एक चेयर अगर ऑक्यूपाई हो गई तो नंबर ऑफ एम्प्टी चेयर्स में से एक डिक्रीमेंट हो जाएगा, सपोज करते हैं थ्री एम्प्टी चेयर्स थी और एक कस्टमर ने आके एक चेयर ऑक्यूपाई कर ली, वेट म्यूटेक्स लगा लिया, उसने चेक किया थ्री इज ग्रेटर देन जीरो, हाँ चेयर सभी खाली हैं, तो उसने एक चेयर ऑक्यूपाई कर ली, तो वो एक चेयर को डिक्रीमेंट करेगा ना, क्योंकि अब यहाँ पे दो ही चेयर्स रह गई, तो इसलिए नंबर ऑफ एम्प्टी चेयर्स माइनस माइनस। गॉट वन एम्प्टी चेयर्स सो रिलीज द म्यूटेक्स, अब वो क्या करेगा सिग्नल म्यूटेक्स, वो छोड़ दे रिलीज कर देगा म्यूटेक्स को, ताकि कोई और कस्टमर आए तो उस पर वेट लगा कर, अभी हमने यहाँ वेट लगाया था ना, तो हम यहाँ सिग्नल लगा रहे हैं ताकि कोई और कस्टमर आए तो वो वेट लगा कर नंबर ऑफ एम्प्टी चेयर्स में एक चेयर ले ले और उसको डिक्रीमेंट कर दे। तो इसलिए सिग्नल म्यूटेक्स, जब भी हम वेट लगाते हैं म्यूटेक्स के ऊपर तो सिग्नल जरूर वापस लगाना पड़ता है, सिग्नल म्यूटेक्स, ताकि वो अनलॉक हो जाए, वो रिलीज हो जाए नंबर ऑफ एम्प्टी चेयर्स जिसके लिए हमने लगाया है, ताकि और प्रोसेस उसे यूज कर सके। उसके बाद सिग्नल कस्टमर, कस्टमर जो है नोटिफाई करता है बार्बर को कि मैं शॉप में आया हूँ। वेट इफ द बार्बर इज बिजी, अगर बार्बर बिजी है तो वेट करना पड़ेगा उसको बार्बर के लिए, अगर वो किसी का हेयर कट कर रहा है मतलब क्रिटिकल सेक्शन में है तो जो कस्टमर है वो वेट करेगा। अब इसकी इसी का देखते हैं, अगर नंबर ऑफ एम्प्टी चेयर्स ग्रेटर देन जीरो नहीं होती, अगर एक भी चेयर एम्प्टी नहीं है, ठीक है, तो मतलब नंबर ऑफ एम्प्टी चेयर्स इज लेस देन जीरो, सारी की सारी चेयर्स ऑक्यूपाइड हैं, तो सबसे पहले म्यूटेक्स, सिग्नल म्यूटेक्स मतलब रिलीज द म्यूटेक्स ऑन चेयर, सबसे पहले आप जो आपने जो चेयर पे म्यूटेक्स लगाया हुआ है उसे रिलीज कर दो, दिस इज सिग्नल। सिग्नल म्यूटेक्स मतलब जो आपने यहाँ के लगाया था ना वेट म्यूटेक्स, अगर आप इस लूप के अंदर गए नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ एल्स में आए, क्योंकि आपको नंबर ऑफ एम्प्टी चेयर्स नहीं मिली, तो सबसे पहले आप जो आपने म्यूटेक्स पे होल्ड किया था, जो लॉक लगाया था, उसे रिलीज कर दो, कस्टमर रिलीज कर देगा और कस्टमर लीव द शॉप विदाउट हेयर कट ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ द चेयर, क्योंकि उसको नहीं मिला एक भी एम्प्टी चेयर नहीं मिली, तो वो जो है शॉप को छोड़ के चला जाएगा। तो इस तरह से ये कस्टमर प्रोसेस वर्क करता है। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके फीडबैक या क्यूरीज हैं वो आप हमें भेज सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी sonali@timeraise.com। थैंक यू।